तो देश भर में 102 लोकसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान जारी है और आइए अब हम आपको अमरोहा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम हो रहा है। एक्सप्रेस वे बन रहा है साथियों, कनेक्टिविटी के इन सारे कार्यों का लाभ अमरोहा के उद्योगों और कामगारों को हो रहा है। भाजपा सरकार देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टेक्सटाइल पार्क बना रही है। इसका लाभ भी अमरोहा के गारमेंट उद्योग को मिलेगा और उससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। अमरोहा में हमारी सरकार प्लेज पार्क भी बना रही है, औद्योगिक पार्क बना रही है। इससे यहां अनेकों लघु उद्योगों को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इससे यहां का कुटीर उद्योग बढ़ेगा, इस क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाजपा सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना का लाभ भी यहां के साथियों को हो रहा है। और साथियों, मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है वो तो अभी केवल एक ट्रेलर है। ट्रेलर अभी तो हमें यूपी को, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, हमारे देश में पहले की सरकारें सामाजिक न्याय के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को सिर्फ धोखा ही देती रही। जो सपना ज्योतिबा फुले जी का था, जो सपना बाबा साहब आंबेडकर का था, जो सपना चौधरी चरण सिंह जी का था, सामाजिक न्याय का वो सपना जब से आपने मोदी को सेवा करने का मौका दिया है, वो सपना पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। जब मोदी 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर अपनी मुस्लिम बहनों को बचाता है तो ये सामाजिक न्याय में मदद करता है। जब मोदी घर घर जल पहुंचाता है, गैस और बिजली पहुंचाता है तो महिलाओं की जिंदगी आसान होती है, सामाजिक न्याय पक्का होता है। हमारे यहां गरीबों की, एससी एसटी ओबीसी समुदाय की कितनी ही पीढ़ियां बिजली पानी रहने के लिए घर इसके बिना ही गुजार गई। ये गरीब का बेटा है मोदी और इसलिए मोदी आपको इस मुश्किल से निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, खुद को खपा रहा है।
भाजपा सरकार ने 10 साल में जो 4 करोड़ पक्के घर गरीबों के लिए बनवाए हैं, उसके बहुत बड़े लाभार्थी एससी एसटी ओबीसी है। अब तो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में देश में 3 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की है। यहां भी हर बेघर को पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, आप सब मेरा एक काम करोगे, जरा हाथ ऊपर करके सब बताएं, मेरा काम करोगे करोगे? देखिए, जब आप चुनाव प्रचार में गांवों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे, और हो सकता है उस गांव में 2-4 लोग ऐसे मिल जाएं जिनको अभी घर न पहुंचा हो, नल से जल न पहुंचा हो, गैस कनेक्शन न पहुंचा हो। इतना सारा किया है, लेकिन अगर कोई छूट गया हो तो आप मेरी तरफ से पूरे विश्वास के साथ, आप ही मेरे लिए मोदी हैं। पूरे विश्वास के साथ उनको कह देना, जैसे गांव में और लोगों को घर मिला है, नल से जल मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, तीसरी बार मोदी आने के बाद जो बाकी काम रह गए ना, वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको अपना हक मिल जाएगा। ये बताओगे? घर घर जाके बताओगे? साथियों, अमरोहा और पश्चिमी यूपी का एक क्षेत्र अपने मेहनती किसानों की वजह से भी जाना जाता है। कांग्रेस सपा बसपा सरकारों में यहां किसान की समस्याओं को न सुना जाता था, न देखा जाता था, न कोई परवाह की जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए दिन रात काम कर रही है। अमरोहा के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 600 करोड़ रुपए इसी जन अमरोहा में मिले हैं। अब आप जरा यूरिया की बात सुन लीजिए, ये जो यूरिया है ना, हर किसान को जरूरत पड़ती है। ये यूरिया की जो बोरी है, वो एक बोरी अमेरिका में 3000 रुपए में मिलती है। कितने में मिलती है? कितने में मिलती है अमेरिका में? कितने में मिलती है? 3000 रुपया। और भारत में हमारे यहां हम किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में वही यूरिया की बोरी देते हैं। और जिन लोगों ने सपा बसपा कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख ले। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश में गन्ने की रिकॉर्ड खरीदी के साथ रिकॉर्ड भुगतान हो रहा है। जब सपा की सरकार थी,
तो अमरोहा के गन्ना किसानों को साल में औसतन सिर्फ 500 करोड़ रुपए का भुगतान होता था, जबकि योगी जी की सरकार में यहां हर साल करीब 1500 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। एक समय था जब यूपी में धड़ाधड़ चीनी मिलें बंद हो रही थी, जबकि हम हसनपुर शुगर मिल की क्षमता दोगुनी करने पर काम कर रहे हैं। यहां अमरोहा में इथेनॉल का प्लांट भी लगाया है। अमरोहा के आम का स्वाद भी किसानों के लिए समृद्धि लाए, हमारी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। आम की प्रोसेसिंग के लिए यहां मैंगो पैक हाउस का निर्माण किया गया है। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी तो प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना, सरकार की जो योजनाएं हैं या फिर क्या कुछ सरकार ने अब तक किया उसका विस्तार से जनता के सामने उल्लेख कर रहे थे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।